हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं आई हूँ मोड़ के पास मॉर्निंग वॉक करने और मेरे साथ आए हैं फिर से वही लोग, मेरे साथी, मेरे हमदर्द, मेरी फैमिली, और काफ़ी आगे निकल गए। और आज है 6 अप्रैल। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए आज वो पड़े हैं यहाँ पे। क्या बोल रहे हो? और ये यहाँ से व्यू, और हो सकता है कि भैया भी यहाँ पर आए हैं गुच्छी ढूंढने, क्योंकि उनकी गाड़ी जो पीछे खड़ी हुई थी। और ये देखो, और इस तरफ देखिए कितनी अच्छी धूप लगी है ना। लग नहीं रहा है कि अभी सुबह के 7 बजे होंगे, लेकिन जब हम उस मोड को क्रॉस करेंगे ना, तो वहाँ आपको लगेगा जैसे अभी 6 बजे है। कोई धूप नहीं है वहाँ पे, क्योंकि ये पाला जो पहाड़ है ना, ये बीच में आ जाता है, तो फिर धूप लेट आती है वहाँ पे। अरे कोको, अभी खूब घूम रहा है, खूब मस्ती कर रहा है, फिर घर जाते ही जो है सो जाएगा। फिर अगर किसी ने छेड़ा तो उसको काटने आएगा। तो यहाँ पे कोको थक चुका है और इसको चाहिए थी मम्मा की गोद, तो मैंने इसको गोद में उठा दिया। चलना नीचे, चलो। ये पापा बेटा यहाँ पत्थर फेंक रहे हैं और वो बना शिकारी, और कोको चला गया नीचे, देखो फिर जा रहा कोको, कोको चलो आज मम्मा गई। ये धान से घास काट रहा है, देखो क्या हो गया कोको, तो पागल तो नहीं हो गया है? देखो से कोको क्या कर रहा है। चलो चलो पापा गए, कोकी चलो पापा गए, इसको पता नहीं क्या हो गया और ये घास तोड़ रहा है दांतों से। इसको शायद कुछ स्मेल आई होगी यहाँ से, तो अभी लो फिर आ गया। जासूसी कर रहा है कुछ, सारे घास तोड़ दिए इसने दांतों से अपने, इतने सारे घास काटे। क्या बेबी, चलो मम्मा गई। वहां पे एक पत्थर है गोल सा, हाँ पत्थर वहां पे गोल सा ना, इसको लग रहा है कि बॉल है वो। तो ये देखिए यहाँ पे इतनी तेज धूप थी कि जैसे दोपहर के 11-12 बज रहे हो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई धूप का नामो निशान नहीं, बस वहां पे, और हमारे गाँव में तो बिल्कुल धूप नहीं है। एक अच्छी बात भी है, और लेकिन सर्दी गर्मियों में ना जो धूप है वो अभी तो वहाँ जाके छुपती है, लेकिन फुल गर्मी में धूप वहाँ जाके छुपेगी तो सीधा धूप आता है, फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। वैसे ठीक है, तो कोको थक चुका है और उसके पापा उसको गोद में लेके जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से व्यू, अभी हम पहुंचने वाले हैं लगभग घर, और उसके बाद करेंगे फेस वॉश, ब्रश और बनाएंगे नाश्ता। आया तो अभी हम आए थे ऊपर घर में बीबी से मिलने, लेकिन वो लोग चले गए हैं मंडी, क्योंकि शानवी की यूनिफॉर्म लानी है। तो हमने सोचा हम थोड़े से मटर निकाल देते हैं, तो थैली हम लेकर नहीं आए थे, तो हम भर रहे हैं अपने दुपट्टे में। और ये कोको और ये कोको के पापा, देखिए हमारा कोको घास खाता हुआ। गाय बना हुआ आजकल दूध देता है, दूध भी देता है, तो कैसे खा रहा घास कोको। चलो चलो, और यहाँ पे लगा है हरा धनिया, और देखिए इसमें हंजी धनिया, हाँ हाँ छील छाल के बढ़िया, आज अभी केयर करो लहसुन,
आज नहीं छिलने ना यो, क्यों छिलना जी, चार पाँच दिन बाद जब। तो ये है मूंगरी की सब्जी, तो जब ये पक जाते तो इसे बीज निकलते हैं और कच्चे में सब्जी खाते हैं इसके। और ये है यहाँ पे मेथी, आके ओके भाई। तो अभी हो रहे हैं 12:15 और यहाँ पे लेक राइड में गई हूँ, क्योंकि हमारा जो आटा है वो लगभग ख़त्म होने वाला है। वो ख़त्म हो जाए उससे पहले हम जो है इसको पीस लेंगे, और पीसने से पहले इसको सुखाना पड़ेगा। तो नज़दीक को लूँ तो जो ये आपको दिख रहे हैं पत्ते, तो ये हैं पुदीना के पत्ते। तो कहते हैं कि इसको डालने से जो कीड़े नहीं लगते हैं, तो मम्मी ने डाल के रखे थे, और इसको बाद में मैं जो है इस चूप की हेल्प से छानूंगी। और अभी इसको रखते हैं फैला के सूखने के लिए। और इसके बीच बीच में ना ये देखिए मिट्टी भी है, तो ये भी छांटने पड़ेंगे इसको। इस तरह से हम पूरे कपड़े में फैला के रखेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने इसको फैला के रखा है, और बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे बाद में, और इसको पीसने जाएंगे शाम को या कल तक। और फिर हमारा आटा तैयार है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मूवी, देखें नेटफ्लिक्स पे, स्क्रीन बड़ा गंदा है इसका। और साथ में खा रहे हैं गुलाब जामुन, और ये हीरो खा बैठा है। अब मेरी बारी। और ये मिठाई ना हमने जिठानी से मंगवाई थी, तो वो गए थे मंडी ना, तो उनसे मंगवाए थे। और मैंने कल भी गुलाब जामुन खाए, तो बहुत मन करा था मीठा खाने का, तो फिर कल भी खाए, आज फिर से। तो चलिए मूवी देखते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। हेलो जी, तो अभी हो रहे हैं रात के 7:45, और मेरा खाना अभी दाल बन गई है, चावल अभी नहीं बने हैं। चावल के लिए मैंने पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए। और अभी मैं आपको इस ट्रस में नज़र आ रही हूँ, क्योंकि मैं गई थी अभी गेहूँ छोड़ने पीसने के लिए। और घर पे तो मैं नॉर्मल जो है पजामा और इस टी शर्ट में होती हूँ, लेकिन अभी मैं वो गेहूँ छोड़ने गई थी तो मैंने ऊपर से फेरन पहन लिया, और सिर पे मैंने रुमाल बांध दिया, क्योंकि मैं जो है जो गेहूँ की बोरी थी ना उसको मैं सिर पे उठा के लेके गई थी। तो कुल्लू मनाली साइड में ना ज़्यादातर जैसे कुछ बोझा उठाना होता है तो उसको पीठ पे उठाते हैं। अगर आप जंगल से लकड़ी लेके आ रहे हो वो भी पीठ पे, घास लेके आ रहे हो वो भी पीठ पे, या फिर कुछ बोझा उठाना है, बोरी उठानी, कुछ भी, वो भी पीठ पे उठाते हैं या किल्टे के साथ उठाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करते, यहाँ पे जो है हर चीज़ सिर पे उठाते हैं। घास लेके आओगे वो भी सिर पे, लकड़ी लेके आओगे वो भी सिर पे, और छोटी मोटी बोरी उठानी है वो भी सिर पे उठाते हैं। तो मैं भी सिर पे ही उठा के गई थी वहाँ पे। तो अभी काफ़ी रात हो चुकी है, और हमारा खाना जैसे ही तैयार होगा ना हम फटाफट से खा लेंगे, क्योंकि हम दोनों को बहुत भूख लगी है। लगी भूख? बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक किया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है। और जब कोई कमेंट करता ना फिर तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं यहाँ पे एक सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहूँगी, जिनका नाम है कमलेश गौतम जी। तो उनके जो कमेंट होते हैं ना वो इतने प्यारे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं ना, और वो हर मतलब कमेंट में मुझे बहन कहते हैं, वो हमेशा हर कमेंट में बहन बहन, मुझे हीना बहन कहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू कमलेश गौतम जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मैं भी उनको जो रिप्लाई करती हूँ ना तो मैं भाई जी लिख कर रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे सच में मतलब वो पहले ऐसे इंसान हैं जो मुझे कमेंट में जो है बहन लिखते हैं, तो मैं भी उनको भाई कहती हूँ। तो कभी लाइफ में कभी मौका मिला तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी,
और भी लोग काफ़ी सारे कमेंट करते हैं, और उनमें से एक है दुर्गा ठाकुर जो कि हमारे ही गांव के, वो भी इतने अच्छे अच्छे कमेंट करती रहते हैं और हर मतलब हर वीडियो में कमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जितना हो सके आप लाइक क्या करें, मतलब लाइक तो सब वीडियो में सिर्फ एक वीडियो में एक ही लाइक होता है, लेकिन लाइक क्या करें, और कमेंट तो मतलब जितना हो सके उतना कमेंट करें। और मुझे आप सबके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। जैसे कोई कमेंट आता ना, मैं टाइम ही लगाती हूँ, मैं फटाफट से जो पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट आप सबके कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है। तो चलिए, ये था आज का ब्लॉग, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।